और अब बात यूपी की सियासत में मचे हंगामे की, क्योंकि यूपी बीजेपी में ऑल इज वेल है या ये दिखाने की कवायद की जा रही है। सीएम योगी से मिलने के बाद नाराज मंत्री दिनेश खट्टिक ने जो कुछ कहा उसे यही संकेत मिल रहे हैं कि सब कुछ ठीक हो गया। प्रदेश की आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है, जीरो टॉलरेंस पे इसमें काम होता है और आगे भी होता रहेगा। तो मान गए दिनेश खट्टिक, योगी सरकार के नाराज मंत्री दिनेश खट्टिक की नाराजगी के खूब चर्चे थे। दिल्ली दरबार तक उन्होंने शिकायत कर दी थी, लेकिन बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात के बाद यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ और अपने ही मंत्रालय के सीनियर मंत्री स्वतंत्र देव सिंह से मुलाकात के बाद उनका गुस्सा खत्म हो गया। देखिए आज तक से एक्सक्लूसिव बातचीत में उन्होंने क्या कहा। स्वतंत्र देव सिंह जी मेरे बड़े भाई हैं और वो कैबिनेट मंत्री हैं, मेरे प्रदेश अध्यक्ष हैं। सीएम ने कुछ कहा नहीं उनको बाकी लेटर के बारे में, सीएम बर्खास्तगी की बात कही थी आपने सर, कहा था ये उत्तर प्रदेश की आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है, जीरो टॉलरेंस पे इसमें काम होता है और आगे भी होता रहेगा। 25 मार्च 2022 को योगी आदित्यनाथ ने दूसरी बार देश के सबसे बड़े सूबे के सीएम पद की शपथ ली, लेकिन दूसरी पारी में 117 दिनों के अंदर ही सरकार में खींचतान की खबरें आने लगी। जल शक्ति राज्य मंत्री दिनेश खट्टिक ने अपनी नाराजगी खुलेआम जाहिर कर दी। जिस मंत्री को पहले योगी से शिकायत बतानी थी वो सीधे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के पास पहुंच गए। दिनेश खट्टिक के साथ पश्चिम के सह संगठन मंत्री कर्णवीर भी मौजूद रहे। जेपी नड्डा ने उनकी बात सुनी लेकिन उन्हें नसीहत भी दी। सूत्रों के मुताबिक जेपी नड्डा ने दिनेश खट्टिक को सख्त हिदायत देते हुए कहा कि नाराजगी के मसले को पार्टी फोरम में ही उठाया जाना चाहिए। दिल्ली में जेपी नड्डा से मिलने के बाद खट्टिक सीएम योगी से मिले और मन का भेद दूर कर लिया। इधर नाराजगी की खबरों के बीच उन्नाव के सफीपुर से बीजेपी विधायक बम्बालाल दिवाकर का लेटर सामने आया है। उन्होंने लेटर में लिखा है कि एग्जीक्यूटिव इंजीनियर उनका फोन तक नहीं उठाते, इतना ही नहीं इंजीनियर ने उन्हें फोन पर गालियां भी दी। इस बीच उत्तर प्रदेश के अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद की मुसीबत बढ़ती नजर आ रही है। प्रधानमंत्री कार्यालय ने उनके खिलाफ जांच के आदेश दिए हैं। मंत्रियों की नाराजगी की खबर के बीच योगी सरकार में आबकारी मंत्री नितिन अग्रवाल ने उन खबरों का खंडन किया जिसमें उन्हें मुख्यमंत्री और सरकार से नाराज बताया जा रहा है। मुझे तो खुद ही नहीं पता है, मैं तो खुद ही पूछ रहा हूँ, बल्कि मैं तो नोटिस भी भेजने जा रहा हूँ न्यूज़पेपर वालों को कि आखिर आपने बिना मुझसे बात करे, बिना किसी पुष्टि के, बिना मेरी सहमत के, अप्रूवल के, आपने कैसे मेरा नाम जोड़ दिया है। असंतुष्ट होने का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है। हम लोग सभी लोग माननीय मुख्यमंत्री जी के दिशा निर्देशन में काम कर रहे हैं, उन्होंने जो गाइडलाइंस दी हैं उन गाइडलाइंस पे आगे सरकार की योजनाओं को आगे बढ़ा रहे हैं। मुख्यमंत्री जी का तो फोकस हमेशा रहा, उन्होंने हमेशा हम लोग से कहा है कि भाई जन कल्याणकारी योजनाएं जो हमारी चल रही हैं उसको हम लोग को मजबूती से और तेजी से नीचे ग्राउंड लेवल तक ले जाना है। बहरहाल खट्टिक मान गए हैं, लेकिन मुख्यमंत्री योगी की भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति के बावजूद कुछ विभागों में ट्रांसफर पोस्टिंग के नाम पर भ्रष्टाचार की खबरें आने के बाद से यूपी की सियासत गर्म है। लखनऊ से कुमार अभिषेक और समर श्रीवास्तव के साथ हिमांशु मिश्रा, दिल्ली आज तक।